Good morning, Mr. Jindal. Hello, Mr. Jindal. जी जी बर्थडे केक जी जी वो 60th बर्थडे का केक जो वो ऑर्डर कंफर्म कर लें जी मेरे पापा का बर्थडे है अब 8 दिन है ना आपके पास प्लीज प्लीज समाउ मैनेज कीजिए थैंक यू मैडम हाँ जी उदय जी आए हैं हाँ हाँ डेकोरेशन वाले सत श्री अकाल जी मैं थोड़ा सा लेट हो गया थोड़ा हाँ जी पिछले सैटरडे कहा था जी अभी आया और अब आ रहे हैं इसीलिए कहा ना थोड़ा सा लेट हो गया वो क्या है ना मैडम शादियों का सीजन है ना इसलिए फनी टाइप बिजी हूँ आप बताइए कब है शादी शादी बर्थडे है मेरे पापा की ओहो मैडम जी आपने शादियों के सीजन में यहाँ बर्थडे कहाँ से रख दी बर्थडे रखी नहीं जाती अपने मन से ये भी ठीक है जी आपकी बात आप बताइए कब है शादी मेरा मतलब है बर्थडे 8 दिन बाद हो जाएगा सारा डेकोरेशन ग्लास हाउस का मैडम जी 8 दिन में तो हम पूरा लंदन सजा दें आप ये बता दीजिए कि आपका कॉर्पोरेशन क्या होगा क्या क्या कहा कॉर्पोरेशन नहीं समझे आप अच्छा अच्छा वो क्या है मैडम जी के 25 साल हो गए इस मुल्क में रहते हुए धंधा सीख लिया जीना सीख लिया मगर यहाँ की भाषा जो है ना हर रोज अखबार से 4 नए वर्ड सीखता हूँ अब इतना वक्त तो होता नहीं कि मीनिंग सीखता रहूं मैंने सोचा पहले वर्ड सीख लेता हूँ मीनिंग तो उम्र के साथ आ ही जाएगा वो क्या है मैडम आप फील पे जाइए वर्ड पे मत जाइए कॉर्पोरेशन मेरा मतलब है कितना खर्चा करेंगी आप अच्छे से अच्छा डेकोरेशन करिए फिर बताइए कितना लगेगा मैडम आपके ग्लास हाउस को ना मैं एकदम टिट फॉर टैट आर्टिफिशियल बना दूंगा क्या बना दोगे फील मैडम एकदम सजा दूंगा फील पे जाइए ना आप फिर से बढ़ गया ब्लड प्रेशर सुबह सुबह तेरी शक्ल देखूंगा तो और क्या हो सकता है नमक खा रहे हो रोज खा रहा हूं लेकिन तेरा नहीं खा रहा हूं और जिसका खा रहा हूं उसके साथ नमक हरामी नहीं करता हूं नमक हरामी नहीं करता तेरी आंखें कमजोर हो गई हैं भटनागर तू दिन में भी टॉर्च लगाकर देखता है इसी टॉर्च से 3 साल पहले देखकर बताया था कि तुम्हें ब्लड प्रेशर हो गया पता है बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बताती है ये कुछ दवाइयां लिख के दे रहा हूं वक्त से खाते रहना हाँ ठीक है नहीं तो चेस खेलने के लिए मुझे कोई दूसरा प्लेयर ढूंढना पड़ेगा दूसरा प्लेयर ढूंढना पड़ेगा नहीं तेरा मतलब क्या है चेस खेलने के लिए जिंदा लोगों की जरूरत होती है जिंदा लोगों की तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी ये लाल पीली दवाइयां नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा अरे लाल पीली दवाइयां खाऊंगा ना तो शायद मर सकता हूं अच्छा काम एक जरूरी बात है तेरी नजर में कोई अच्छा सा डॉक्टर है मैं अपना फैमिली डॉक्टर बदलना चाहता हूं मुझसे अच्छा कोई डॉक्टर है ये तो मैं जानता नहीं हाँ दवाइयां वक्त से खाते रहना अगर चेस खेलनी है तो दिमाग खराब हो गया भटनागर का ब्लड प्रेशर बढ़ गया कह रहा था दूसरा डॉक्टर ढूंढ लेगा अरे भाई साहब आइए बैठे ना नाश्ता कीजिए अरे नाश्ता ऐसे बनेगा तो उसकी गलती क्या है अरे वो परहेज कैसे करेगा तो आप तो परहेज कीजिए ना आपका भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल तो नहीं है एनीवे मैं तो तंग आ चुकी इस घर से और अपने दोनों बेटियों से एक तो बर्थडे सेलिब्रेशंस कर रही है वो भी 60 साल की आदमी 60 साल की उम्र में और दूसरी पार्टी के 8 दिन पहले से उसका मेकअप शुरू हो चुका है 5 औरतें आ चुकी हैं ब्यूटी पार्लर बताइए सुबह से उसकी शक्ल भी नहीं देखी मैंने मैडम जी मैंने सब कुछ फ्लक्चुएट कर लिया है
आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, सब इंतजाम हो जाएगा। बस आप साहब के साथ मेरा ट्रांसपोर्ट करवा दीजिए ना। मेरा मतलब उनसे मिलने का मेरा बहुत मन था। पापा पापा ये पार्टी का सारा डेकोरेशन कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। सर यू आर जिंदल। आई एम जिंदल। नो सर यू आर जिंदल। यस आई एम जिंदल एंड आई एम वेरी प्लीज टू मीट यू। नहीं सर आप गलत समझ रहे हैं, यू आर तो जिंदल है ही। अच्छा। लेकिन मी माई सेल्फ आल्सो जिंदल, उदय राज जिंदल, यू आर जिंदल। यू आर जिंदल। यस सर आई एम यू आर जिंदल। सर मुझे आप पे बहुत फखर है। आपने जिंदलों का नाम यहाँ आके बहुत ऊंचा कर दिया और आपने ये जो सब खड़ा किया है ना, ये बाबा टेंशन कमाल कर दी। मेंशन। ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा ना, ऐसे लोग मिलेंगे। जल्दी चलिए ना, मम्मा नाराज हो रही है। अरे हमारी बीवी हमसे नाराज नहीं होती है, और इन्होंने बुलाया डॉक्टर भटनागर को, ये आता है तो आधा घंटा तो खराब कर ही देता है। अच्छा ये यश का फोन नहीं आया अभी तक क्या? डेढ़ घंटे की तो फ्लाइट है, अभी लैंड किया होगा। कह रहा था कि फोन नहीं करूंगा, सीधा आकर बताऊंगा डील के बारे में। सुन के तो ऐसा ही लगता है कि डील हो गई। अरे डील कैसे नहीं होगी, हमारा चेला है। पर ये हाल क्यों नहीं रहा है? नाम तुम्हारे ब्यूटी ट्रीटमेंट खत्म हुए या नहीं? कितना वक्त लगेगा? कल से इस घर में नाश्ता बंद। क्या कहा? Morning, sir. Good morning, auntie. Good morning, beta. How are you, sir? I'm fine. Deal करके आया हूँ, वो भी कम पैसों में. सर आपका चला जाओ, डील ना हो. पर ये कि कितने में? 40. One more guess, sir. 39.5. Hold your breath, sir. 36. What are you saying? I'm proud of you. Jeetu, wow, wonderful. Jeetu. Hi. मेरा सामान। वो सर। सनम, मुझे लगा तुम भागते हो, यश को मिलने आई हो। मेरा सामान। वो सनम, क्या ना कि मैं ना वो। मेरा सामान नहीं लाए तुम? सनम। वो सनम, क्या ना सनम, वो मीटिंग है ना, वो बहुत लंबी चल गई सनम, प्लीज। क्या करता बता? रुको, रुको।
आज तो कोई बात भुलाओ तुम्हारी जान जो प्यारी है तुम्हें दोनों कितने खुश लग रहे हैं ना हाँ लग तो रहे तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो चुप जिंदल जी जी अच्छा आपको एक काम और करना है जी पापा के बर्थडे के दिन एक हॉस्पिटल का उद्घाटन है हाँ? तो आपको उसकी इनॉग्रेशन का अरेंजमेंट भी करना जी? है मैं परेश को आपके साथ भेज दूंगी आप हॉस्पिटल देख लीजिए हॉस्पिटल का उद्घाटन पापा ने कैंसर हॉस्पिटल बनाया है दादी माँ के नाम से जी आपको पता है पापा पिछले 7 सालों से इसे बनाने में लगे हैं इस अस्पताल में गरीबों का मुफ्त इलाज होगा पापा का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये और पापा की बर्थडे से अच्छा दिन क्या हो सकता है इसके उद्घाटन के लिए वाह 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 मैडम जी इतना नेक काम हो रहा है ना तो इस उद्घाटन का इंतजाम मैं फ्री में करूंगा कितना अच्छा सोचते हैं जिंदल साहब बड़े ही कॉन्टिनेंटल इंसान है वो कॉन्टिनेंटल मैडम फील पे जाइए ना फील हेलो सना बेटा चलो जल्दी सनम पूजा में लेट आओ मैं तुम्हारी माँ के साथ अच्छा सॉरी 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 ओम श्री गणेश सरस्वती माँ विद्या कुलोचनी वेश रूप वेश रूपी वेश वाला की विद्या दीमती सती जाय मो क्या बताता तो नो सते नो सते नो सते ओम श्री सतम तो सतम तो सनम बेटा पूजा हो रही है सनम तुम गास मस्ते ये तुम क्या धक्के देते रहती हो बाय मामा बाय बेटा बाय मॉम बाय पापा सनम यू आर बिकमिंग क्लम्सी बाय व्हाट्स रॉन्ग विद यू इवन दो यू आर क्लम्सी बट आई लव यू द मोस्ट अंजलि को मत बताना ओके अच्छा मैं चलो मेरी गाड़ी में अरे यहां तक प्लीज यहां तक ओके ओके कम ऑन कम ऑन कम ऑन यार चलो ओके थैंक्स अ लॉट या तू पापा के साथ जा रही है हां बाय चीज अपना काम जल्दी से खत्म कर यार और लिसन शाम को आके मैं एक अच्छी सी चीज दिखाऊंगी बाय बाय ओके बाय 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 पापा ओह सॉरी आई लव यू द मोस्ट अनम को मत बताना ओके टेक केयर बाय 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 बैठो बैठो यार बाय बाय आई लव यू बाय 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 कितनी प्यारी बेटी है थैंक यू पापा गॉड मैं अंजलि के बारे में बात कर रहा हूँ मैं अपनी बात कर रही थी हाँ, तुम तो हमेशा अपने 2 साल हो गए शादी को लेकिन हर साल चली आती है मेरा बर्थडे मनाने और आकाश भी कुछ नहीं कहता वैसे तू भी बहुत प्यारी बच्ची है और फिर तू भी चली जाएगी और फिर मैं और तुम्हारी माँ रह जाएंगे अकेले इस घर में 6 महीने मेरे पास रह लेना 6 महीने चीज के पास वैसे भी बहुत टाइम है मेरी शादी में क्यों भाई लड़का ही नहीं मिलता है अच्छा ये यश के बारे में क्या ख्याल है यश यश कैसे हो सकता है पापा क्यों नहीं हो सकता यश को तो मैं जानती हूँ ना इतने दिनों से तो क्या हुआ प्यारे से थोड़ी होता है तो कैसे होता है ऐसे ऐसे यश इज अ डार्लिंग बहुत अच्छा दोस्त है वो एंड आई एम श्योर वो भी मेरे बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता आई होप सो मैंने दिल में छुपाया तुम्हें धड़कन बना के मैंने आंखों में बसाया तेरा सपना सजा के दिल जा से मैं हो चुका हूँ दिल जा से मैं हो चुका हूँ तुम्हारा सनम तुम्हारा 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 सनम तुम्हारा 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 सनम
तेरा सपना सजा के दिल जा से मैं हो चुका हूँ, दिल जा से मैं हो चुका हूँ तुम्हारा सनम, तुम्हारा 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 सनम, तुम्हारा 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 सनम। सनम तुम्हारा 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 सनम, मैंने दिल में छुपाया तुम्हें धड़कन बना के, मैंने आँखों में बसाया तेरा सपना सजा के, दिल जा से मैं हो चुका हूँ, दिल जा से मैं हो चुका हूँ तुम्हारा सनम, तुम्हारा 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 सनम, मेरे ख्याल में यश ने जो डील किया दैट्स आउटस्टैंडिंग, वेल डन यश, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। और मैं समझता हूं हमें ये डील जो है अपने जापान के ऑफिस के थ्रू रूट करनी चाहिए, क्योंकि जापान की करेंसी डॉलर के अगेंस्ट में ज्यादा स्ट्रांग है, हमें डील और भी सस्ती पड़ सकती है। व्हाट डू यू थिंक यश? मिस्टर जिंदल इज ऑलवेज वन स्टेप अहेड ऑफ अस। कम ऑन। एनीवे थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। थैंक यू। बाय बाय। आप सोचते बहुत अच्छा है मिस्टर जिंदल, बिजनेस में आपका कोई जवाब नहीं, टी सर आई विल मेक इट। भाई शक एक बार हो सकता है, दो बार नहीं हो सकता, साफ सुनी थी आवाज मैंने, ये डरा देता है भटनागर। देखो संध्या, तुम ये डॉक्टर भटनागर का घर में आना बंद करवा दो, और अगर आएगा भी तो मेरा ब्लड प्रेशर चेक करने नहीं आएगा। अरे जिस आदमी का खुद का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता उसे डॉक्टरी करने का तो कोई हक ही नहीं है, और अगर डॉक्टरी करेगा भी तो ब्लड प्रेशर चेक करने का कोई हक नहीं है। तुम हंस क्यों रही हो भाई? नहीं तुमने मतलब डॉक्टर भटनागर को देखा? तुम क्यों हंस क्यों रही हो भाई? इन दोनों का दिमाग खराब हो गया क्या ये सब? तुम कब से सोचने लगे ब्लड प्रेशर के बारे में? 60 साल का हो जाऊंगा अगले संडे को। तुम कितने भी साल के हो जाओ हमेशा वैसे ही रहोगे या जैसे हो, और जैसे हो बहुत अच्छे हो। रियली रियली सो आई कैन हैव लिटिल मोर सॉरी। नो
पापा इज सो क्यूट है ना. आई नो. अच्छा तुझे एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं. क्या ये? मैंने पेरिस से यश से मंगवाया है. मैजिक बॉक्स. ये बताता है कि आपको आपके सपनों का राजकुमार मिलेगा कैसे. ये डब्बा? डब्बा नहीं चीज, मैजिक बॉक्स. इट्स मैजिक. और मालूम है स्निग्धा का बिल्कुल ठीक ठीक बताया था. तो फिर यश का क्या होगा मेरी जान? आई कांट बिलीव यू. पता है आज पापा भी मुझसे यही पूछ रहे थे. एक्चुअली आज सुबह ही हम सब यश की बात कर रहे थे. तेरा दिमाग खराब हो गया जीज? यश तो मेरा दोस्त है. दोस्त तो दोस्ती प्यार में नहीं बदल सकती. हाउ बोरिंग. प्यार ऐसे थोड़ी होता है जीज. तो फिर कैसे होता है प्यार? ऐसे बस अचानक. और मुझे कैसे होगा ये पता चलेगा इस मैजिक बॉक्स से. अपने उनके बारे में 5 चीजें लिखकर इस मैजिक बॉक्स में डाल दो. आई मीन जैसा कि तुम चाहती हो कि वो हो. फिर मैजिक बॉक्स को बंद करके जोर से हिलाओ. मैजिक बॉक्स खोलो तो जवाब मिल जाएगा. तो कैसा चाहिए तुझे अपना वो? मुझे लेट्स सी. लेट्स सी. बहुत सुंदर. 1 बहुत प्यार करने वाला. 2 जो मेरी हर बात को समझे. गिटार से कोई रिश्ता है. चीच, इसमें तो आवाज भी आ रही है. बेवकूफ लड़की, ये आवाज यहाँ से नहीं बाहर से आ रही है. चीच, क्या गिटार बजा रहा है ना? दिखता कैसा है? पता नहीं, पर आई एम श्योर ये वही है चीज. कौन? गिटार वाला चीज. इट्स मैजिक चीज. इट्स हैपनिंग. हाय सनम, चल चल जल्दी चल. वैसे भी हम लोग सेमिनार के लिए लेट हो चुके हैं. मैं नहीं आ पाऊंगी. क्यों? एक्चुअली मुझे यश से मिलने ब्राइटन जाना है. क्या चल रहा है तेरे और यश के बीच में? क्या मतलब? कहीं तुम दोनों का अफेयर तो नहीं चल रहा है जो इतनी दूर ड्राइव करके ब्राइटन जा रही हो उसे मिलने के लिए? एक्चुअली मेरी यश से शादी होने वाली है. हाँ? नहीं, 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 शादी तो हो चुकी है. अब मैं हनीमून पे जा रही हूं. अच्छा. डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? ओके सॉरी बाबा. जिसको देखो यश यश हद हो गई है यार. Oh yeah, this is my message to you. You wanna play?
बाय शिवानी. बाय सनम. टेक केयर. थैंक्स. Last one. Mandy, I have to leave right now. Mr. Jindal, agar mere liye puche to unhe kehna ki main kisi personal meeting se Brighton gaya hu. Okay? Okay, sir. Oh shit, she'll kill me, man. Yeah. Haan, Yash? Yes, sir. Maa ke hospital ka kaam aaj pura ho raha hai. Mujhe kuch paper sign karne jana hai. Main chahta hu ki tum bhi saath chalo. और एंड्रयू को बता दो कि हम पहुंच रहे हैं. ओके. नो प्रॉब्लम सर. नंबर है ना तुम्हारे पास? एंड्रयू. मेरे पास है, मैं देता हूं. जीरो डबल सेवन जीरो डबल सेवन जीरो डबल सेवन वन सेवन फाइव वन सेवन फाइव वन सेवन फाइव यश, तुम्हारा फोन बज रहा है. नहीं सर, आपका. हेलो. हेलो पापा. हाँ. यश की कोई खबर है क्या? मेरे साथ बैठा, बात करोगी? नहीं, आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? बेटे, हम अपने हॉस्पिटल की साइट पर जा रहे हैं. तुम कहाँ? मैं ब्राइटन में. ब्राइटन में? वहाँ क्या कर रही हो? यश से मिलना था, उसी का इंतजार कर रही हूँ. आई मीन कर रही थी. उसको बोलिएगा मेरे सामने ना आए, वरना मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी. बोल दूंगा बेटा, बोल दूंगा. Hey, what happened to her? God knows what's the matter with her. Hey.
कुदरत से कि उसने मेरे लिए इसे बनाया। मैंने पूछा कुदरत से कि उसने मेरे लिए इसे बनाया। कुदरत ने कुछ ना कहा और वक्त थम सा गया। फिर कुदरत ने मुस्कुरा के मुझे तेरा नाम बताया। दिल ये दिल तुझे चाहे सनम, दिल ये दिल तुझे चाहे सनम, तुझे चाहे सनम। कुदरत से कि उसने मेरे लिए किसे बनाया। मैंने पूछा कुदरत से कि उसने मेरे लिए किसे बनाया। कुदरत ने कुछ ना कहा और वक्त थम सा गया। फिर कुदरत ने मुस्कुरा के मुझे तेरा नाम बताया। तुझे चाहे सनम। Thank you very much. Yes. Thank. Here you go. Here you go. Sure. Thanks. Thanks. Thank you. Thank you. See you later. Thanks. Wait.
इधर उधर क्या देख रहे हो भाई? मालूम है, तीनों दिनों के पैसे निकाल ला उस मोटे कंजूस से। Let's party, man! इतने सारे लोग थे, कोई ऑटोग्राफ ले रहा था तो कोई फोटोग्राफ ले रहा था, यहां से धक्का वहां से धक्का। भाई साहब होल्ड ऑन, अब आप जागते जागते भी सपने देखने लगे? अबे क्या सपने डीवीडी पे मिलते हैं क्या कि बटन दबाए और देखने लगे? एक तो वैसे इतना फ्रस्ट्रेट चल रहा और तू आ गया ऊपर से, जागते जागते भी सपने देखने लगे। अरे पता है मैंने कल रात इतना माइंड ब्लोइंग सपना देखा, मर गए। स्टेडियम में 40,000 लोग और मैंने गाना शुरू कर दिया। मैंने जो गाना शुरू किया कि 40,000 लोगों ने अपने हाथों में कैंडल जला ली, 40,000 कैंडल्स, मोमबत्तियां ही मोमबत्तियां। पूरा स्टेडियम झिलमिला रहा था और उस झिलमिलाहट के बीच में वो दिख गई। कौन? वही जिसकी आंखों के सामने स्टेडियम के सारे कैंडल्स फीके पड़ गए, जिसकी हंसी के आगे। यार समीर मैं सोच रहा था कि ये सपने डीवीडी पे क्यों नहीं मिलते, कम से कम फ्री से कर सकते यार। क्या चेहरा था यार, क्या आंखें थी। तो देखना एक दिन जब मैं बहुत बड़ा पॉप स्टार बनूंगा ना, तब वो मिलेगी 100%। आई प्रॉमिस यार। अरे यार कितनी बार कहा है कि जब किसी काम से जा रहे होते तो पीछे से आवाज नहीं देते। अरे पीछे से आवाज उससे दी जाती है जो आगे जाने वाला हो, और देखना यार तू बहुत आगे जाएगा। तेरे गाने को तो ना बोल ही नहीं सकते वो, बस यार दान संभाल लेना। अरे तू देखना आज मैं ऐसा नाचूंगा ना कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। ऑल द बेस्ट ब्रदर, ऑल द बेस्ट। साउंड 1 2 3 4 Me and Clef on this track, what you want? Heard you in the battle, let's both, I hope you're down. Hand me my mic, two woofers in my trunk. Sound like gonk, 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 gonk. I drink that Dom Perignon. I drink that shot of Patron, it's a me on. I got that red eye bomb, get your stone. I got them gunshots, head knocked to my bed, stop. I'm from a place called New Jersey. They call it New Jersey. I'm only here. हाय शिवानी, शिवानी मैं ड्राइव कर रही हूँ, एक मिनट पार्क करके तुझे फोन करती हूँ। ओके बाय। सुन तो क्या हुआ, क्या हुआ यार? अरे होना क्या था यार? होना क्या था मतलब? मैं वहां गया था, कोरियोग्राफर था वहां, उसने मुझे स्टेप दिखा दिया। तूने क्या किया? मैंने स्टेप कर लिया। स्टेप कर लिया लेकिन तू पास? हाँ अगले महीने शो है। Yes! यार स्टेप बड़ा इंटरेस्टिंग था, एक पकड़ मैं दिखाता हूँ। 1 2 3 4 मैम I'm sorry, मैं इन्हें वो डांस। आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, मैंने सुना है ब्राइटन में। ब्राइटन में आप गई है वहाँ? हाँ मैं कभी कभी गा लेता हूँ वहाँ। हाँ जी जी जी, मेरा मतलब अगर आप अगली बार कभी भी जाएंगी ब्राइटन में तो मैं आपको गाना जरूर सुना दूंगा। और हाँ अगर इससे पहले आप गाना सुनना चाहे तो रिकी, सॉरी इसका नाम रिकी है। हाय रिकी। हाय। और मैं समीर। हाय समीर। और आप? जी 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 मैं ये कह रहा था कि अगर आप वो गाना सुनना चाहें तो रिकी की म्यूजिक क्लासेस पर आ जाइए।
अब तो आप म्यूजिक क्लासेस भी लेते हैं? जी। कहाँ? फोनल में। फोनल में कहाँ? फोनल कॉस्टो से अगर आप राइट जाएंगी तो 3 माइल आगे जाकर आपको एक चर्च दिखाई देगा। चर्च के सामने खड़े होकर अगर आप लेफ्ट देखोगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आप राइट मुड़कर देखेंगे तो वहां भी कुछ नहीं होगा, सामने तो कुछ है नहीं, लेकिन अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो चर्च दिखेगा, राइट? एब्सोल्युटली राइट। आपको कैसे पता चला? जस्ट गेस। दैट्स वेरी गुड। वैसे चर्च के पीछे मेरी क्लासेस है, कभी भी आइएगा। मैं जरूर आऊंगी, अभी मैं चलती हूँ। इट वॉज नाइस मीटिंग यू रिकी, यू टू समीर। वैसे आप डांस बहुत अच्छा करते हैं। हाँ समीर, मेरा नाम सनम है। बहुत प्यार करते हो तुम अपने परिवार से। कौन हो तुम? अंत, और बहुत पास हूं मैं तुम्हारे। क्या? कौन सा अंत? किसका अंत? तुम्हारा अंत। मैं मृत्यु हूं तुम्हारी। तुम कोई भी हो, गेट आउट ऑफ द कार। आई सेड गेट आउट ऑफ द कार। मृत्यु का विश्वास कोई नहीं करता, मृत्यु का आगमन ही झूठ लगता है, पर धीरे धीरे विश्वास हो जाता है, और मैं विश्वास दिलाऊंगा तुम्हें। अब तो विश्वास करोगे मेरी बात का? हो गया है, पापा काला सूट ही पहनेंगे और अच्छे लगेंगे उसमें। हाँ। और अंजलि बेटा, हाँ जी, सनम ने जो केक चूज किया है ना, हाँ, वही होगा। ओके, ये अच्छा जी, जो ग्लास हाउस है ना उसके साथ आपका परिवार बड़े जोरों शोरों से तैयारियां कर रहा है आपके बर्थडे की। नो सनम, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं क्यों जी, इट्स ओके, जो किया सब ठीक है। ये सब देख पाऊंगा मैं? कितना वक्त है मेरे पास? 2 घंटे। और बहुत कुछ करना चाहोगे तुम इन 2 घंटों में? हाँ। देखो, ये चीज कभी मेरी बात नहीं सुनती है, और मामा भी इसी की साइड लेती है। पापा, इस पगली लड़की को आप समझाओ, मुझे लास्ट मिनट पर ऑर्डर दे रही है। पापा, यू आर जिंदर कुछ नहीं करने वाला। I love you all. We love you, love too, you, papa. Papa. We love you too, papa. अरे पापा, आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बेटा, एक जरूरी काम है इसलिए जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे कैसे? ड्राइवर को तो छुट्टी दे दी आपने। जाना तो पड़ेगा ना जान,
But you take care of my beautiful daughters. इनका ख्याल रखना. हाँ हाँ, जैसे मैं रखती नहीं हूँ. रखती हो? कहाँ रखती हो? सनम. I love you. We love you, Papa. कोई जवाब में उलझा, कोई सवाल करे, कोई तो जश्न मनाए, कोई मलाल करे. क्यों? मैं बच्चों का ख्याल नहीं रखती हूँ क्या? तुम्ही ने तो ख्याल रखा है संध्या. मैं तो जिंदगी भर भागता रहा इधर से उधर, और पता ही नहीं चला कि वक्त कैसे गुजर गया सारा. आई लव यू वेरी मच करम. आई लव यू टू. आओ बैठो. तो ये अस्पताल चुना है तुमने अपनी मुक्ति के लिए. तुम्हारे लिए शायद ये सिर्फ एक अस्पताल है, लेकिन मेरे लिए ये एक तीर्थ यात्रा है. मां के प्रति मेरी श्रद्धांजलि है. और किस चीज से मुक्ति की बात कर रहे हो तुम? मुक्ति बीवी बच्चों से, दुनिया से, रिश्तों से, हर मोह से, हर माया से. तो फिर बनाया ही क्यों मोह और माया को अगर मुक्ति करना था तो? अरे इतनी सी थी बच्चियां, दोनों हथेलियों में अट जाती थी. उंगली पकड़ पकड़ कर चलना सिखाया, रातों को जाग जाकर बढ़ता हुआ देखा, और जब उनके हंसने खेलने के दिन आ गए तो मुक्त करने चले आए मुझे. देख रहे हो सुबह से कैसे भाग भाग कर अपने पापा के जन्मदिन की तैयारियां कर रही हैं? ये सब अधूरा छोड़कर चला जाऊं क्या? जब भी जाओगे इस दुनिया से, पीछे कुछ ना कुछ अधूरा छूट ही जाएगा. आज जाओ या कल, जीवन के अंत में मृत्यु नहीं आती, मृत्यु के आने से जीवन का अंत होता है. और तुम तय करोगी कि कब आएगी मृत्यु और कब होगा जीवन का अंत, क्योंकि तुम भगवान हो, इंसान के सुख दुख से ऊपर हो. अरे इस तरह जगह जगह पत्थर की मूर्ति बनवाकर पूजा करवाने से कुछ नहीं होगा. दुनिया बनाई है तो दुनिया को समझो. नहीं जाऊंगा मैं अपने जन्मदिन से पहले, नहीं जाऊंगा मैं अपनी मां की याद में बने इस अस्पताल के उद्घाटन से पहले. देखो
जन्म के वक्त ही मृत्यु निश्चित हो जाती है, तो फिर क्यों घबराते हो उस सब चीज से जो होनी है? इसलिए कि जीवन और मृत्यु के बीच में एक लंबा सफर बनाया है तुमने, और उस सफर में बनते हैं रिश्ते, और उन रिश्तों में जागती है उम्मीदें, भावनाएं, प्यार, तड़प, तकलीफ, सुख, दुख, और ये सब महसूस करने के लिए इंसान होना बहुत जरूरी है। तो भगवान या मृत्यु, जो भी नाम है तुम्हारा, है हिम्मत तुम्हें इंसान बनने की? हाँ, ठीक है, हम चार दिन बाद जाएंगे, पर जाते समय पूछूंगा जरूर कि जीवन फिर भी अधूरा लगा या नहीं। चार दिन? हाँ, चार दिन। शुक्रिया। शुक्रिया। नादा, तुझे हुआ क्या है? आखिर इस दर्द की दवा क्या है? किस दर्द की सरकार? वही जो यहाँ होता है मीठा मीठा से। यार तुझे याद है वो स्टेडियम? स्टेडियम में 40,000 लोग, और उन सब के हाथों में एक एक कैंडल, और उन कैंडल्स के बीच में एक मुस्कुराता हुआ चेहरा। यार ये वही चेहरा है, ये चेहरा दिमाग से हटता ही नहीं। ये चेहरा नहीं, वो गाड़ी है जो तेरे दिमाग से नहीं हटती, और वो गाड़ी ही है जिसकी वजह से ये चेहरा तेरा नहीं हो सकता। चे? तुझे याद नहीं उसने मेरी तरफ किस तरह से देखा? हाँ, तुझे और मुझे तो याद है, लेकिन शर्त लगा के कह सकता उसे याद नहीं होगा। बड़ी जोर का इश्क हो गया तुझे, इतनी दूर मिलने आई हो। हो गया है, इश्क होता है ना तो जोर से ही होता है। ठीक है, तुम्हारी तो निकल पड़ी। अच्छी न्यूज लेके आना। लेकर आना? मतलब तू नहीं चलेगी अंदर? हा? अरे मुझे थोड़ी शौक है कबाब में हड्डी बनने का। हाँ। इनसे पूछते हैं। एक्सक्यूज मी, आपको पता है कि रिकी कहाँ मिलेगा? रिकी चर्च में। थैंक यू। ओके, बेस्ट ऑफ लक डियर, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। अरे रुक क्यों गई? आइए आइए, मैं जानता था कि आपसे रहा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि मुझे आपकी याद नहीं आ रही थी, सच बात कहूं तो मैं भी आपसे मिलना चाह रहा था। तो फिर इंतजार किस बात का? घर भी खाली है, कमरा भी रेडी है, कम ऑन। एक्सक्यूज मी, ओह हाय, आप फोन पर बात कर रहे थे? Just,
जस्ट वन सेकेंड. हेलो. हाँ, तुम्हें तो पता है ना कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ. आई मिस यू अ लॉट. जल्दी आ जाओ ना, कम बैक सून. ओके ओके, टेक केयर. आई लव यू टू. आई लव यू, बाय. ओह, आई एम सो सॉरी, वो फोन आ गया था जरा तो. योर गर्लफ्रेंड? ओह, यू मीन इन द फोन? नो, वो तो मेरी बहन थी, माय लिटिल सिस्टर. क्या हुआ? नथिंग. ओके, एक्चुअली मैं अपनी छोटी बहन के साथ बात कर रहा था. मेरी छोटी बहन दो दिन पहले मुझसे रूट कर बोर्डिंग स्कूल चली गई और अब वहाँ उसका मन नहीं लग रहा है. सच बात कहूँ तो मेरा भी मन नहीं लग रहा है उसके बगैर. स्वीट. रिकी, दिस माय फ्रेंड शिवानी. हाय, हाउ आर यू? हाय रिकी, सनम टॉक्स लॉट्स अबाउट यू. रियली? शिवानी, चले बात पक्की कर ली? जी नथिंग. संडे को मेरे पापा की 60th बर्थडे है. oh. आप जरूर आइएगा. रिकी, बी केयरफुल. थैंक्स, थैंक यू. बात पक्की कर ली? मैं जरूर आऊंगा. I'll definitely please. Thanks. बात पक्की कर ली ना. अचानक ये वसीयत की क्या सूझी आपको? सिन्हा साहब, 60 साल की उम्र हो चुकी है मेरी. अरे कैसी बातें कर रहे हैं? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है सिन्हा साहब. हेलो मिस्टर जिंदल, अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहिए कि मुझे अंदर आने दें. ओके, गुड नाइट. दरबान को फोन दो. इंसान बनकर आए हो,
आपने कहा था इंसान बनना बहुत मुश्किल है। मैं भी जानना चाहता था कि इंसान बनना कितना मुश्किल है। ये राज अगले चार दिनों तक सिर्फ हमारे बीच रहेगा। मैडम जी, वो सनम दीदी ने बोला है खाना 15-20 मिनट के बाद लगाइए। हद हो गई। 2 मिनट में अगर लड़की नहीं आई ना तो उसे कह देना कि बहुत पिटाई करूंगी इसकी। पागल लड़की। क्या हुआ करम? आज तुम और मैं साथ में खाना खाएंगे। हाय हाय, आज बहुत प्यार आ रहा है मुझ पर। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। हेलो सर। हाय आंटी। हाय यश। सर, ये जेम्स भी ना एक नंबर का बेवकूफ आदमी है। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट साइन करवाना भूल गया। कल सवेरे मेरी मीटिंग है। ठीक है, मैं अभी कर देता हूँ। तुम यहाँ कैसे आ गए? करम, आई मीन ऑफ कोर्स, मतलब पर तुम, दिस इज माय वाइफ संध्या और ये यश है। हाय। एंड ये हेलो। वो रोहन। ऑफ कोर्स रोहन। रोहन वर्मा। रोहन वर्मा, ये मेरे दोस्त का बेटा है, अब कुछ दिन यहीं पर रहेगा। कौन से दोस्त का? वो सत्यनारायण वर्मा। यश, तुम कब आए? मैं अभी आया बस। रिकी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ पापा, रिकी बहुत अच्छा सिंगर है। लेकिन आपने कहा कि आपका नाम रोहन है। वो इसका शायद निकनेम रिकी होगा। अच्छा। आप लोग बैठे, मैं खाना लगवा देती हूँ। बैठे जाओ, तुम भी मम्मी की मदद करो। जी। I'll take your leave, sir. वो सुबह की मीटिंग के लिए मुझे कुछ तैयारियां करनी है। No problem. Good night. Good night, sir. Bye, Rohan. तुम मेरी बेटी सनम को कैसे जानते हो? नहीं जानता। पर उसको, वो तुम्हारा नाम जानती है रिकी? मतलब नहीं जानता कि कैसे जानता हूँ। वो शायद उस आदमी को जानती है जिसका शरीर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। शायद उसका नाम रिकी था। What? अब याद रखना, तुम्हारा नाम रोहन भी है और रिकी भी है। यू आर जिंदल। आई एम जिंदल। लेकिन अभी अभी आपने कहा था कि मेरा नाम, इनका नाम यू आर जिंदल है जी। ये रोहन रिकी है। ओके। बोलिए सर। आई वांट योर रिजेक्शंस। यू मीन सजेशन। जी चलो आइए। जीज जीज, क्या हुआ? जादू हो गया जीज, जादू। क्या हुआ? पहले रिकी ब्राइटन में मिला और वो यहाँ भी आ गया है। रियली? और मुझे तो पता ही नहीं था कि रिकी पापा के दोस्त का बेटा है। रियली, इट्स ऑल मैजिक। और वैसे भी जो भी होता है भगवान की मर्जी से होता है। क्या होता है भगवान की मर्जी से? हाँ, सब कुछ माँ, सब कुछ उसी की मर्जी से तो होता है ना। हाँ मामा, सब कुछ। पता नहीं तुम लोग क्या कह रहे हो। चलो खाना लगाओ। बच गए। अरे ये कहाँ चले गए? अंजलि बेटा आ जी। हाय। रोहन के लिए कमरा तैयार करवा दे। जी मामा। सनम, रोहन को खाना खिला दे। और अंजलि बेटा, रोहन के लिए कपड़े रखवा दे। ठीक है मामा। कितनी अजीब बात है कि ये सब हम दोनों ने अकेले बनाया और फिर हमारे बीच दो नन्ही सी जाने आ गई। अब वो चली जाएंगी, फिर हमें महसूस होगा कि कितना समय गुजर गया है।
कैसे गुजरा इतना समय? खुश रख सका ना मैं तुम्हें? आई होप ऑफ कोर्स अरे तुमने तो बताया नहीं कि पापा को तुम पहले से ही जानते थे। नहीं जानता। मतलब? मेरा मतलब है भूल गया। तुम्हारी बहन वापस आ गई? बहन? हाँ शायद। क्या तुम्हें क्या हो गया है? अरे अचार है वो। सनम सनम बेटा हाँ चलो दूध पी लो। नहीं मामा अभी नहीं। मामा मैं लेट हो रही हूँ। जब देखो मामा मैं लेट हो रही हूँ। माँ मुझे अभी चलो पी लो। चलो मामा इतना सारा काम करना और मैं लेट भी हो रही हूँ। सनम चुपचाप पी लो। सनम सनम अच्छा हुआ तू घर पे मिल गई। देख तेरे लिए ड्रेस लेकर आई हूँ। फैंटास्टिक कलर है ना। फैबुलस जीत तेरे टेस्ट का तो जवाब नहीं। वो तो फैबुलस जीत तेरे टेस्ट का जवाब ही नहीं। ये सब करने के लिए टाइम है लेकिन दूध पीने के लिए टाइम है राइट। चलो भाई मैं अभी चल रहा हूं। चलिए कहाँ? ऑफिस। चलो सब लोग जल्दी आ जाओ पूजा के लिए। पूजा कर लो। बाय मामा। बाय हैव अ ग्रेट डे। यू टू। बाय मॉम। मॉम बाय बेटा। बाय मामा। क्या कर रहे हो भाई? बंद करो उसे।
थैंक यू वेरी मच। This is the best deal we are going to have, sir. I think this is the right move. This is Rohan. Rohan Verma. Please sit down. Excuse me. Sure. Please. Thank you. So, gentlemen, मैं पिछले तीन महीनों से क्रिश्चियन एंड एसोसिएट्स से नेगोशिएट कर रहा हूँ। वो अपनी कंपनी बेचने को तैयार नहीं है। मगर हाँ, वो इस बात को जरूर तैयार है कि हम 14 मिलियन डॉलर्स में उनके 33% स्टॉक्स खरीद लें। उनके पिछले रिकॉर्ड से ये साबित होता है कि हम ये सारा अमाउंट एक साल में रिकवर कर सकते हैं। सिर्फ एक साल सर, और फिर इस कंपनी से हम हर साल यही अमाउंट अर्न कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से जैसा यश ने कहा बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए। एनीवे फ्रेंड, दिस इज माय लास्ट बोर्ड मीटिंग। आई विल बी रिटायरिंग टुमारो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प। अ प्लेजर वर्किंग विद यू। और मुझे लगता है कि अब किसी नए यंग ब्लड को मेरी जगह लेनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। क्या जरूरत थी ऐसे मीटिंग में आने की? और अगर आप ही गए तो बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? मैं तो आपका ही भला सोच रहा था। आई मीन आपके बिजनेस का। मेरे बिजनेस के बारे में मैं ज्यादा जानता हूं या तुम? मैं अगले महीने उस आदमी की मृत्यु हो जाएगी जिसके कंपनी में आप पैसे लगा रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी। व्हाट? हाँ यश, अभी जो मीटिंग मैंने फाइल साइन की थी जी, वो मेरे पास वापस लेकर आओ। हम ये डील नहीं कर रहे। अच्छा यश, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हाँ हाँ, बाकी बोर्ड मेंबर्स को भी इन्फॉर्म कर दो। लेकिन सर प्लीज। ओके सर। मेरी माँ है, 20 साल पहले चल बसी थी कैंसर से। जानता हूं। अब बाथरूम अकेले जा सकता हूं कि नहीं? थैंक यू। Thank you.
थैंक यू फॉर योर कंपनी टुडे। आप थक गए होंगे, मैं भी थक गया हूं। अब मैं थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहता हूं, और आप भी आराम करिए अपने कमरे में। ओके, अपने कमरे में। थैंक यू। चाहते हो? Then come. स्विमिंग नहीं आती तो तुम पानी में क्यों कूदे? तुमने कहा तो आ गया। मैं जो भी कहूंगी तुम करोगे? जिसको वो मिल गया हुआ सिलसिला शुरू प्यार का। मेरा दिलबर मेरे पास है, कितना हसीन एहसास है, मौका यही है इजहार का। मत छेड़ो यूं दूर से, दूर से, दूर से, मत छेड़ो यूं दूर से, हम तो है मजबूर से, छाया नशा के तुम पास हो। आंखों आंखों में दिल गया, जहां जिसको वो मिल गया हुआ सिलसिला शुरू प्यार का। बहुत मन मचलने लगा, इश्क की आंच से जिस्म जलने लगा, मैंने रोका बहुत मन मचलने लगा, उलझी तेरी लटों को आज मैं सवार दूं, बाहों के दायरे में ये घड़ी गुजार दूं, गुजार दूं, गुजार दूं, ये सारा मंजर हिल गया, ये सारा मंजर हिल गया, आंखों आंखों में दिल गया, हुआ सिलसिला शुरू प्यार का, हुआ सिलसिला शुरू प्यार का, हुआ सिलसिला शुरू प्यार का, हुआ सिलसिला शुरू प्यार का। Since you're not sure.
हाय 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 रोहन, सर कहाँ है? पापा, नो प्रॉब्लम, मैं ढूंढ लूंगा। सब ठीक हो जाएगा बेटे, हो सकता है तू ही गलत सोच रहा हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है मां, अपनी आंखों से देखा है उसे उस जगह जो जो मेरी है। मैंने अपना खून, अपना पसीना, अपनी जिंदगी सब कुछ दिया है इस कंपनी को, और अचानक कोई और आ जाए और मेरे सारे सपने तोड़ दे। मैं यह भी बर्दाश्त कर लेता, मगर सनम, तुम तो जानती हो ना कब से प्यार करता हूं मैं उससे, कब से। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, नहीं होने दूंगा ऐसा। रिकी, यू नो व्हाट, यही वो हॉस्पिटल है जहां मैं ट्रेनिंग ले रही हूं। आओ तुम भी अंदर आ जाओ। तुम्हें पता है मामा को तो यकीन ही नहीं होता कि अगले साल तक मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। हाय क्रिस्टीना। हाय सनम। वेयर इज प्रोफेसर पॉल? ही इज अपस्टेयर। थैंक यू। रिकी तुम यही रुको, मैं अपनी फाइल सबमिट करके अभी आती हूँ। ओके ओके। मुझे लेने आए हो? चलो ले चलो, दर्द बहुत है, सहा नहीं जाता, प्लीज
मुझे ले चलो। नहीं, अभी समय नहीं हुआ है, वक्त है आपके पास। ढूंढ रही थी मैं तुम्हें। चलो, क्या कर रहे थे उन दोनों के बीच में तुम? पता है, उस दिन जब मैं तुम्हें कार्ड देकर आई थी तो सोच रही थी पता नहीं तुम मिलोगे कि नहीं, मगर मुझे ऐसा लग रहा था तुम मिलोगे जरूर। समझ में ही नहीं आती कि आप लोग करवा चौथ में भूखे कैसे रह लेते हो? आपको भूख नहीं लगती क्या? बेटे, एक बार तुम अपने पति के लिए व्रत रखोगी ना, तब पता चलेगा कि कितना सुकून मिलता है। और व्रत के साथ साथ शॉपिंग करने को भी मिलता है ना मामा? हाँ, शॉपिंग। सुन, और किसी को कुछ नहीं होना चाहिए, ओके? रोहन, मुझे दे दो। अरे यश, तुम अंदर क्यों नहीं आए? थैंक यू। वो आंटी, मैं कुछ इम्पोर्टेंट कॉल्स कर रहा था। अच्छा, बहुत शॉपिंग कर ली। हाँ, घर जाके देखेंगे। Hey, step out. Yash. Come on, hey, come on, Yash. Come on, come on. Rohan, beta. Rohan. इसमें मेरी कोई गलती नहीं, इस काम के लिए मुझे किसी ने पैसे दिए थे। किसने? यश ने।
प्लीज मुझे जाने दो। कौन थे वो लोग? कुछ नहीं मां, चोरी करने आए थे। चल चल गाड़ी में बैठ। अंजलि सनम चलो अंदर से फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ। यस मॉम। चलो भागो जल्दी सनम भागो। जी। रोहन ये सब मैंने क्यों किया ये बताना बेमतलब है, पर इतना जरूर कहना चाहूंगा तुम मुझसे बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारा हक बनता है वो हर चीज पर जो तुम्हारे पास है। अरे वो रोहन कहाँ रह गया? और ये यश तुम लोगों ने उसे अंदर नहीं बुलाया? कमाल करते तुम लोग। और ये रोहन मैं कितना चिल्ला रही थी कि रोहन हट जा लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। ये लो आ गया। अगर वो लोग गोली चला देते तो देख रोहन मुझे अच्छा नहीं लगता। बैठ जा। तुमने मुझे मां कहा ना, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मुझे कुछ कैसे हो सकता है? हाँ हाँ तुम तो सुपरमैन हो ना। अरे तुम ये क्या करते रहते हो? पहले भी एक बार आपने ऐसा कुछ किया था मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब भी मैं अपने आप करता हूं तो कुछ भी नहीं होता। बेटे कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो शरीर में बसी आत्मा को छू लेते हैं। एक ऐसा ही रिश्ता होता है मां का। मां थैंक यू। नहीं बेटे थैंक यू वेरी मच। तुम खा लो ना, आज मैं नहीं खा सकती हूँ, आज करवा चौथ है ना। करवा चौथ? लो माँ अब इन्हें करवा चौथ का मतलब ही समझाना पड़ेगा। बेटे साल में एक ऐसा दिन होता है जब पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। तो व्रत रखने से मृत्यु नहीं आती? यही तो कमाल की बात है बेटे, मृत्यु आती है लेकिन फिर भी औरतें व्रत रखती है। कब जाने किसकी सुन ले भगवान। मत सोचो इन रिश्तों के बारे में वरना अपना कर्तव्य भूल जाओगे, फंस जाओगे। इंसान बनाया ठीक था, दुनिया बनाई ठीक था, पर ये कमबख्त रिश्ते क्यों बना दिए? और वो भी ऐसे रिश्ते कि जी करता है कि उसका लिखा ही मिटा दे। मेरा तो कोई रिश्ता भी नहीं उनसे, पर मैं किससे मांगू कुछ दिन और? सारी जिंदगी तुम उनके खुशियों के लिए जिए हो, आज आखिरी रात है, आओ इतनी सारी खुशियां दे उन्हें कि कोई मलाल ना रह जाए। जीजू आ गए। बाय। Hey.
सुबह की फ्लाइट से निकलना होगा। होप यू डोंट माइंड। मैं तो समझ जाऊंगा बेटा, पर आई होप तुमने अंजलि को समझा दिया। जी पापा, समझा दिया। अंजलि का ख्याल रखना। जी पापा, आप ऐसे क्यों बोल रहे पापा? ऐसे ही। हंसी है आंखों में पानी, इस जीवन की बस ये कहानी। सांसें तो है आनी जानी, सांसें तो है आनी जानी।
जल्दी से पानी पिलाओ ना, बहुत प्यास लगी है। तुमने व्रत रखा? किसके लिए? तुम्हारे लिए। क्यों? आज के दिन जिससे बहुत प्यार करते हैं उसके लिए व्रत रखते हैं। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं, उसने अभी अभी मुझे यहां छुआ और बहुत अच्छा लगा। मुझे प्यार हो गया है। प्यार हो गया है? बदमाश लड़की। पापा को बताते हैं। क्या बात है? आपको पता है आपकी बेटी को प्यार हो गया है। किससे? अरे ये रोहन की बात कर रही है। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। सनम का रोहन से कोई रिश्ता नहीं हो सकता है। लेकिन क्यों करम? मैंने कह दिया ना कि सनम का रोहन से कोई रिश्ता नहीं हो सकता है। वैसे भी रोहन ये घर छोड़कर जा रहा है हमेशा के लिए। मैंने तय कर लिया है कि सनम की शादी यश से होगी। पर पापा मैं... Shut up! I don't want to listen to anything. सनम, 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 सनम मेरी बात तो सुनो। सनम, सनम रुक जाओ। सनम, सनम प्लीज मत रो। सनम पापा से मैं बात करूंगी। सनम तू चुप हो जा प्लीज। सनम, सनम चुप हो जा। क्या हुआ सनम? पापा कुछ समझते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि मैं और तुम शादी कर सकते। उन्हें कितनी बार समझाया कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, पर प्यार प्यार मैं रिक्की से करती हूँ। प्लीज तुम ही उन्हें समझाओ ना हमारे रिश्ते के बारे में। क्या रिश्ता समझाओ सनम? झूठ भी तो नहीं बोला जाता तुम्हारे बारे में। सच यह है कि मैं भी प्यार करता हूं तुमसे। हाँ, प्यार करता हूं बचपन से। बन गई ना? तुम्हारा रोना रुकने का इससे अच्छा तरीका मेरे पास नहीं था। अरे सनम तुम तो जानती हो सर तुमसे कितना प्यार करते। उन्हें डेफिनेटली कोई कंफ्यूजन हुआ होगा। एंड ऑफ कोर्स रोहन बहुत अच्छा लड़का है। तुम क्यों चिंता करते हो? मैं हूं ना तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। अब ये रोना बंद करो। ओके, आई हेट टू सी यू क्राइंग। स्माइल फॉर मी, स्माइल वंस। शुरू हो गया जिंदगी का आखिरी दिन। <स्थ
हैप्पी बर्थडे करम, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। पता नहीं जिंदगी हजारों सालों की होती या नहीं, लेकिन जब भी मैं अपनी आंखें बंद करूं, बस तुम इसी तरह हंसते हुए मुस्कुराते मेरे सामने खड़े रहो। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू टू माय डियर। चलो गेट रेडी फास्ट, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। आई लव यू। अंजलि बेटा, जिंदगी का आखिरी दिन। बेटा। ओह बर्थडे बॉय, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे यश, वेरी हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू यश, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ये अकेली पूजा क्यों कर रही है? मैंने पूछा था इससे, कहती है मन की शांति के लिए। ओह एक्सक्यूज मी, मन की शांति के लिए। बेटर, थैंक यू आंटी। सॉरी बेटा, दरअसल मैं जो भी सोच रहा हूं तुम्हारी खुशी के लिए सोच रहा हूं बेटा। ये इतनी लंबी पूजा क्यों कर रही हो? आपकी बर्थडे पे भगवान से डिस्कशन कर रही थी। कैसा डिस्कशन? मैं कह रही थी कि मुझे मेरे पापा हर बर्थडे पर चाहिए आने वाले 100 सालों तक। I need you, Papa. Happy birthday. Thank you, बेटा। चलो भास के हैप्पी बर्थडे बोलो, सब देख रहे हैं, come on. Happy birthday, Papa. Hello, my baby. डैडी के पैसे उड़ाए होंगे तुमने सब। हैप्पी बर्थडे मिस्टर जिंदल, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू, थैंक यू। तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? क्योंकि तुम मुझसे साफ साफ बात नहीं कर रहे हो। क्या तुम कहीं जा रहे हो? हमेशा के लिए? और तुमने मुझे बताया भी नहीं, और मैं बेवकूफों की तरह। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तो अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम जा क्यों रहे हो? मुझे जाना ही होगा, नहीं रुक सकता मैं। तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, तुम जहां भी जा रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। Thank you. Mr. Jindal, what are your future plans? Mr. Jindal, you must be feeling great today. Mr. Jindal, how long did it take to make this hospital? You must be really happy that you're doing this. Yes, yes, I'll answer all your questions. 30 साल पहले जब मैं इंग्लैंड आया था, मैं, मेरी बीवी संध्या, मेरी माँ, सिर्फ हम तीनों थे। नौकरी ऐसी थी कि
घर बस ठीक ठाक चल जाता था और फिर मां को कैंसर हो गया। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं मां का इलाज ठीक से करवा पाता। और फिर मां चल बसी। मन में बस एक कसक रह गई कि काश मेरे पास पैसा होता तो मैं मां का इलाज। और फिर मैंने एक सपना देखा कि अगर भगवान ने मुझे पैसा दिया तो मैं इतना बड़ा अस्पताल बनवाऊंगा ताकि किसी बेटे के मन में ये इच्छा ना रह जाए कि पैसा होता तो मां बच जाती। आज मां का आशीर्वाद मुझ पर है, उसका हाथ मेरे सर पर है कि मैं इतना बड़ा अस्पताल बना पाया। थैंक यू। या सब ठीक हो गया ना? मैंने रास्ता निकाल लिया है। कैसा रास्ता? आज रात हमारे साथ सनम भी जाएगी। मतलब? मैं और सनम एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसने कहा कि मैं जहां भी जाऊं वो मेरे साथ चलेगी, तो आज रात सनम भी जाएगी हमारे साथ। तुम मृत्यु हो मिस्टर रोहन वर्मा, और मेरे प्राण लेने इस धरती पर आए हो। सनम को साथ ले जाने का मतलब समझते हो? और तुम जानते हो सनम तुमसे प्यार नहीं करती, वो तो जानती भी नहीं कि तुम कौन हो। सनम रिकी से प्यार करती है, रिकी से, उस रिकी से जिसका शरीर इस्तेमाल करके तुम इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो, और इंसान बनना इतना आसान नहीं होता। प्लीज रिमेंबर दैट। सनम सिर्फ रोहन से प्यार करती है। तुम प्यार करती हो मुझसे? कब से? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? ऐसे कब से? जब से तुम्हें देखा है ब्राइटन में गाना गाते हुए, उसी दिन से, उसी पल से। और कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। मुझे छोड़ के कहीं जाओगे तो नहीं? नहीं, नहीं। मैं भूल गया था, मैं भूल गया था कि मैं मृत्यु हूं तुम्हारी। सबने मुझे इंसान समझने की भूल की, और पता नहीं कैसे मैं खुद को इंसान समझने लगा, प्यार करने लगा इंसानों से। रिकी की शरीर में रहते रहते भूल गया कि मैं रिकी नहीं हूं। नहीं, मैं रिकी। अब चलने का समय आ गया है, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। इन चार दिनों में मैंने एक्सेप्ट कर लिया इस हकीकत को कि इंसान को एक ना एक दिन जाना ही होता है, पर शायद तुमने मेरे इस आखिरी सफर को आसान बना दिया है। मैंने आज तक हमेशा संध्या, अंजलि और सनम की आंखों में खुशी ही देखी है, और उम्मीद है कि आज भी मैं एनीवे, चलो अपने घर वालों को आखिरी बार मिल लूं। मैं भूल गया था कि मैं मृत्यु हूं तुम्हारी। सबने मुझे इंसान समझने की भूल की, और पता नहीं कैसे मैं खुद को इंसान समझने लगा, प्यार करने लगा इंसानों से। रिकी की शरीर में रहते रहते भूल गया कि मैं
रिकी नहीं हूं, नहीं मैं रिकी। ओ लेती है ये जिंदगी क्या क्या इंतहा, लेती है ये जिंदगी क्या क्या इंतहा। तूने कहा सांसों की लड़ी सांसों की लड़ी कोई जाने ना। ओ, ओ लेती है ये जिंदगी क्या क्या इंतहा, जाने ना जाने ना जाने ना जाने ना। खूबसूरत लग रही हो, चक्कर तो नहीं चल रहा ना करम? सब देख रहे हैं। याद है 30 साल पहले जब हम इस शहर में आए थे, हमें कोई नहीं जानता था। आज कितने सारे लोग हमारी खुशी में शामिल होने आए हैं। करम, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। तुम्हारे साथ के अलावा मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर पाता। हर जन्म
तुम्हारे साथ ही रहूंगी. प्रॉमिस? प्रॉमिस. श्योर? श्योर. एक सेकेंड. कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज? दोस्तों, मैंने सुना है कि इंसान 7 बार जन्म लेता है. आज मैं आप सबके सामने अपनी वाइफ से एक परमिशन मांगना चाहता हूं. क्या बात है आंटी, हम सब देख रहे हैं. Stop कुछ बात तो है. संध्या. हाँ? क्या तुम हर जन्म में मेरी वाइफ बनोगी? Will you marry me in every birth? Come on, Auntie, come on! Of course, my dear, of course. Remember, sir, you are Jindal. I remember you are also Jindal and I am also Jindal. Sir, कैसा लगा depression? Depression? जी. बहुत अच्छा लगा. अच्छा लगा? लगता है मैं ठीक बोल गया. अरे भाई. क्या बोल रहे थे उदय जी? पूछ रहे थे कि कैसा लग रहा है celebration. तुम हमेशा मुझसे कहती रहती थी ना कि पापा कैसा लग रहा है मेरा arrangement. तो I want to tell you today that you have made me feel like a king. थैंक यू सो मच पापा. अच्छा, अब एक प्रॉमिस करो. कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम मेरा बर्थडे इतनी ही धूमधाम से सेलिब्रेट करोगी. आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं पापा? अरे बेटा, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं नहीं रहूंगा, पता नहीं कब, पर आएगा तो सही ना. नहीं पापा, आई लव यू. वजह तो शायद नहीं बता सकता, लेकिन विश्वास करो मेरा बेटा, मैं हमेशा तुम्हारा भला ही चाहूंगा. रोहन से तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं हो सकता, कोई भी नहीं. कैन आई प्लीज डांस विद द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी इन दिस पार्टी? कहीं अरमा कर ले यार का, कहीं बिखरे मोती ख्वाब के, कहीं वादा हो इकरार का. किसी लब पे हंसी है, कहीं आंखों में पानी, किसी ने भी न जानी मोहब्बत की कहानी. सांसों की लड़ी
कोई जाने ना हो टूटे कहाँ सांसों की लड़ी कोई जाने ना। चार दिन मैंने इस परिवार के साथ चार दिन गुजारे और मुझे प्यार हो गया। आपने तो खैर सारी उम्र, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, मगर माफ कीजिएगा, ये सब जानने के बावजूद भी मुझे आपको यहां से ले जाना पड़ रहा है क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। इन चार दिनों में मैंने जो भी सोचा था वो सब कर लिया, सब देख लिया, लेकिन फिर भी लगता है कि जैसे कुछ तो भूल आया। तुमने सही कहा था कि जब भी जाना होगा कुछ तो अधूरा रह ही जाएगा। मैं नहीं जानता सनम जिस लड़के को चाहती थी वो कैसा था, लेकिन जैसा इंसान मैंने उसके लिए सोचा था तुम बिल्कुल वैसे हो। आज पहली बार अपने परिवार को इतने दूर से देख रहा हूं, सब मुझे मिस तो करेंगे पर एक अफसोस जरूर रह गया कि सनम के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया। बहरहाल तुमने जो चार दिन मुझे जिंदगी के दिए ये मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। शुक्रिया। आपने बिल्कुल सच कहा था, इंसान बनना आसान नहीं है। कैसा है वहां सब? इतना बुरा नहीं है। याद है तुम मुझसे मिलने आई थी, तुमने मुझे कार्ड भी दिया था चर्च के बाहर, और फिर तुम चली गई और मैं काफी देर तक मुड़ मुड़ कर देखता रहा,
और अचानक सब अंधेरा हो गया। जब आंखें खोली तो पता नहीं मुझे, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी, मुझे छोड़ के कहीं जाओगे तो नहीं? नहीं बात कह नहीं पाया था, आज कह दूं? I love you. I love you, Saran. ये लो, यहां बैठे हो तुम, सब लोग पार्टी में इंतजार कर रहे हैं। करम, 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 करम। ग्रेट पार्टी, अपने पापा से नहीं मिलवाओगी? बहुत तो विश कर लो उन्हें। काश मैं अपने पापा से मिलवा पाती।